उड़ीसा के बालासोर में हुए रेल हादसे में सीबीआई ने 7 जुलाई को रेलवे के 3 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया। अभी इस मामले में एक बड़ी खबर सामने आई है जिसमें रेलवे के 3 अधिकारियों को 5 दिनों के लिए सीबीआई हिरासत में भेज दिया गया है। सीबीआई ने अपनी जांच में पाया कि आरोपी रेलवे कर्मचारी सबूतों से छेड़छाड़ में भी शामिल थे। गिरफ्तार आरोपियों को साक्ष्य अदालत में पेश किया जाएगा और सीबीआई हिरासत की मांग करेगी। पूरे पश्चिम बंगाल में 8 जुलाई को पंचायत चुनाव के लिए मतदान शुरू हुआ। दुर्घटनाओं के साथ बचने के लिए मतदान केंद्रों और उसके आसपास भारी सुरक्षा बल के जवानों के तैनात किया गया है। वोट डालने के लिए बड़ी संख्या में लोग मतदान केंद्रों के बाहर कतार में लगे हुए हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद 8 जुलाई को होने वाली पंचायत चुनाव से पहले कांग्रेस और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हुई है। झड़प के दौरान कई घरों और वाहनों में तोड़फोड़ की गई है। झड़प के बाद मौके से बम भी बरामद हुए। पुलिस इलाके में पहुंची और आगे की जांच चल रही है। अभी तक किसी की मौत या घायल होने की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। अधिक विवरण की प्रतीक्षा करें। बेंगलुरु में विपक्षी पार्टी के बैठक के लिए आम आदमी पार्टी को निमंत्रण के बारे में बोलते हुए कांग्रेस नेता अभिषेक दत्ता ने 7 जुलाई को कहा कि आपसे खुले विचारों वाला होने का आग्रह किया। उन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति का उदाहरण देते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल की माई वे या हाईवे राजनीति स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा उन्हें अधिक खुले विचारों वाला होना होगा। देखिए महाराष्ट्र में क्या हो रहा है। Rahul ji's entire episode, what happened today, they have to come and look like an opposition party which is there for a bigger target. My way, highway politics of Kejriwal ji will not be accepted. They are most welcome to come for the opposition meet, and whenever that issue comes up, they should take it up na. Why create terms and condition? That should not be there. 7 जुलाई को राजस्थान के बाड़मेर में पुलिस और तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान 25,000 रुपयों के इनामी तस्कर को पुलिस ने गोली मार दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमला होने के बाद पुलिस को और से आत्मरक्षा में फायरिंग की गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और अन्य घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आगे की कार्यवाही चल रही है। चिलचिलाती गर्मी से राहत दिलाते हुए आज देर रात दिल्ली की कई हिस्सों में बारिश हुई है। को पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में अज्ञात टीएमसी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस सीपीआई गठबंधन के एक कार्यकर्ता को कथित तौर पर गोली मार दी थी। घायल व्यक्ति रात का खाना खाने के बाद टहल रहा था जब उस पर हमला किया गया। स्थानीय लोगों ने उसे नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। शरद पवार और उनके भतीजे अजित पवार के नेतृत्व वाले प्रतिद्वंदी रकांपा गुटों के बीच भयंकर सत्ता संघर्ष के बीच महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से उनके आधिकारिक आवास वर्ष पर मुलाकात की। 8 जुलाई को देर रात बैठक के बाद फडणवीस को सीएम आवास पर बाहर निकालते देखा गया। पुलिस ने सुरक्षा बलों के साथ मिलकर 7 जुलाई को पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिला के बसंती इलाके में तलाशी अभियान चलाया। रिपोर्ट के अनुसार पुलिस को पंचायत चुनाव से पहले इलाके में बम और हथियारों की मौजूदगी की सूचना मिली थी। आज आयोजित सर्च ऑपरेशन के दौरान इलाके में तैनात भारी सुरक्षा बल के जवानों द्वारा गहन जाँच की गई है। सुबह पंचायत चुनाव का मतदान होने वाला है और भी रात के करीब 11:30 बज रहे हैं और आप लोग देख रहे हैं कि एरिया में सर्च कर रहे हैं, ये इसके पीछे क्या है? इसके पीछे कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है। दिस इज आवर रूटीन सर्च बिकॉज द इनसुइंग इलेक्शन इज जस्ट कमिंग टुमारो मॉर्निंग एंड दिस इज आवर रूटीन इलेक्शन। वी हैव सम इनपुट इन्फॉर्मेशन दैट फ्रॉम सीक्रेट सोर्स दैट देयर इज मे समथिंग एबनॉर्मल थिंग्स लाइक बॉम्ब्स आर्म्स एंड दैट इज व्हाई वी आर चेकिंग दिस। तो सर कुछ मिला ऐसा यहां? नहीं, अभी तक कुछ नहीं मिला। वी आर स्टिल सर्चिंग एंड होपफुली दैट समथिंग विल गेट।
उड़ीसा के बालासोर में हुए रेल हादसे में सीबीआई ने 7 जुलाई को रेलवे के 3 कर्मचारियों को गिरफ्तार किया। अभी इस मामले में एक बड़ी खबर सामने आई है जिसमें रेलवे के 3 अधिकारियों को 5 दिनों के लिए सीबीआई हिरासत में भेज दिया गया है। सीबीआई ने अपनी जांच में पाया कि आरोपी रेलवे कर्मचारी सबूतों से छेड़छाड़ में भी शामिल थे। गिरफ्तार आरोपियों को साक्ष्य अदालत में पेश किया जाएगा और सीबीआई हिरासत की मांग करेगी। पूरे पश्चिम बंगाल में 8 जुलाई को पंचायत चुनाव के लिए मतदान शुरू हुआ। दुर्घटनाओं के साथ बचने के लिए मतदान केंद्रों और उसके आसपास भारी सुरक्षा बल के जवानों के तैनात किया गया है। वोट डालने के लिए बड़ी संख्या में लोग मतदान केंद्रों के बाहर कतार में लगे हुए हैं। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद 8 जुलाई को होने वाली पंचायत चुनाव से पहले कांग्रेस और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच हिंसक झड़प हुई है। झड़प के दौरान कई घरों और वाहनों में तोड़फोड़ की गई है। झड़प के बाद मौके से बम भी बरामद हुए। पुलिस इलाके में पहुंची और आगे की जांच चल रही है। अभी तक किसी की मौत या घायल होने की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। अधिक विवरण की प्रतीक्षा करें। बेंगलुरु में विपक्षी पार्टी के बैठक के लिए आम आदमी पार्टी को निमंत्रण के बारे में बोलते हुए कांग्रेस नेता अभिषेक दत्ता ने 7 जुलाई को कहा कि आपसे खुले विचारों वाला होने का आग्रह किया। उन्होंने महाराष्ट्र की राजनीति का उदाहरण देते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल की माई वे या हाईवे राजनीति स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा उन्हें अधिक खुले विचारों वाला होना होगा। देखिए महाराष्ट्र में क्या हो रहा है। Rahul ji's entire episode, what happened today, they have to come and look like an opposition party which is there for a bigger target. My way, highway politics of Kejriwal ji will not be accepted. They are most welcome to come for the opposition meet, and whenever that issue comes up, they should take it up. Na? Why create terms and condition? That should not be there. 7 जुलाई को राजस्थान के बाड़मेर में पुलिस और तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान 25,000 रुपयों के इनामी तस्कर को पुलिस ने गोली मार दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमला होने के बाद पुलिस को और से आत्मरक्षा में फायरिंग की गई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और अन्य घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आगे की कार्यवाही चल रही है। चिलचिलाती गर्मी से राहत दिलाते हुए आज देर रात दिल्ली की कई हिस्सों में बारिश हुई है। को पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में अज्ञात टीएमसी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस सीपीआई गठबंधन के एक कार्यकर्ता को कथित तौर पर गोली मार दी थी। घायल व्यक्ति रात का खाना खाने के बाद टहल रहा था जब उस पर हमला किया गया। स्थानीय लोगों ने उसे नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। शरद पवार और उनके भतीजे अजित पवार के नेतृत्व वाले प्रतिद्वंदी रकांपा गुटों के बीच भयंकर सत्ता संघर्ष के बीच महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से उनके आधिकारिक आवास वर्ष पर मुलाकात की। 8 जुलाई को देर रात बैठक के बाद फडणवीस को सीएम आवास पर बाहर निकालते देखा गया। पुलिस ने सुरक्षा बलों के साथ मिलकर 7 जुलाई को पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिला के बसंती इलाके में तलाशी अभियान चलाया। रिपोर्ट के अनुसार पुलिस को पंचायत चुनाव से पहले इलाके में बम और हथियारों की मौजूदगी की सूचना मिली थी। आज आयोजित सर्च ऑपरेशन के दौरान इलाके में तैनात भारी सुरक्षा बल के जवानों द्वारा गहन जाँच की गई है। सुबह पंचायत चुनाव का मतदान होने वाला है और अभी रात के करीब 11:30 बज रहे हैं और आप लोग देख रहे हैं कि एरिया में सर्च कर रहे हैं, ये इसके पीछे क्या है? इसके पीछे कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है। दिस इज आवर रूटीन सर्च बिकॉज द इनसुइंग इलेक्शन इज जस्ट कमिंग टुमारो मॉर्निंग एंड दिस इज आवर रूटीन इलेक्शन। वी हैव सम इनपुट इन्फॉर्मेशन दैट फ्रॉम सीक्रेट सोर्स दैट देयर इज मे समथिंग एबनॉर्मल थिंग्स लाइक बॉम्ब्स आर्म्स एंड दैट इज व्हाई वी आर चेकिंग दिस। तो सर कुछ मिला ऐसा यहां? नहीं, अभी तक कुछ नहीं मिला। वी आर स्टिल सर्चिंग एंड होपफुली दैट समथिंग विल गेट।